हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह डू कॉम। वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिकली दो फेजेस हैं। पहला फेज जो है वो है 1789 से 91 तक का, और दूसरा जो है वो 1792 ऑनवर्ड्स, लगभग 1795 तक का, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम दो फेजेस में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट फेज जो है वो आज जो है वो कम्प्लीट करूंगी, और नेक्स्ट फेज जो है वो मैं अपनी अगली वीडियो में कम्प्लीट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि जैसे आप कोई स्टोरी जो है वो आप पढ़ रहे हो, बिकॉज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात जो है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से डिराइव की चीज़ें हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने अडॉप्ट करी हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सीखने को मिलेंगी कि ये सारी चीज़ों का एक्चुअल में इमरजेंस कैसे हुआ, राइट। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था इट वॉज मच मोर सिग्निफिकेंट देन अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रांस में एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन देर वॉज एब्सोल्यूट किंगशिप, ठीक है, मोनार्की थी। और 1774 में लुई 16 थे जो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड ही असेंडेड द थ्रोन। वो 20 साल के थे एंड ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, बिकॉज ये जो मैरी एंटोनेट थी ये जर्मन से बिलोंग करती थी, ठीक है, ऑस्ट्रियन प्रिंस थी बेसिकली। तो लोग फ्रेंच के इसको बहुत हेट करते थे, एंड मोर ओवर बड़ी सुंदर थी और अपने आप को बड़ा सजाने का इसको शौक रहता था, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, ब्यूटी भी एक तरह की कर्स हो जाती है आपके लिए, है ना। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी, और लोग इसको बड़ी नफरत करने लगे, बिकॉज ये वहाँ एक टाइम पे जो फ्रांस है उसकी इकोनॉमी सफर कर रही है और इसको अपने सजने संवरने में लगी हुई है ये, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो होती वो अपने लिए मंगवाती थी। ये नहीं कि बहुत ही, मतलब जैसे क्वींस करती हैं तो, बट उस टाइम पे ये भी होता ना कि आपको थोड़ा स्टेट के ऊपर भी तो देखना है, ध्यान भी रखना है। मतलब एक आप जो है वो मिलियंस ऑफ लिवर्स, उस टाइम पे जो करेंसी थी वो लिवर थी फ्रांस की, तो इतने ज्यादा मतलब कर्जा है फ्रांस के ऊपर, बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया था उसकी इंडिपेंडेंस वॉर में, है ना। तो उसके चलते उसने सारे वर्ल्ड से पैसा उठाया हुआ था। तो एक समय पे मतलब इतना ज़्यादा इकोनॉमी सफ़र कर रही है और ऊपर से तुम अपने धाम झाम में लगी हुई हो, है ना। तो ये चीज़ है, तो लोग इसके काफ़ी खिलाफ हो गए थे। तो एट द एंड ये जो किंग लुइस 16 था इसका भी, मतलब इसको भी बिहेड कर दिया गया था, साथ में इसकी रानी को भी बिहेड कर दिया गया था। तो ये चीज़ इनके साथ हुई। तो इस माना जाता है कि एक ये भी कहीं पे स्टेटमेंट है कि लोग जो थे वो इकट्ठे होके, मतलब उस टाइम पे ब्रेड के प्राइसेस बहुत राइज कर गए थे, ब्रेड जो कि स्टेपल डाइट थी उस टाइम पे फ्रांस में। तो लोग जो थे इकट्ठे होके इसके पास गए कि हमारी मतलब इकोनॉमिकली मदद करो। तो ये कहने लगी कि आपके पास अगर ब्रेड नहीं है तो आप केक खाओ, मतलब सी, है ना, उसका माइंडसेट कैसा था। उसको कुछ पता ही नहीं है लोगों के ग्रीवेंसेस के, लोगों के पेन्स क्या है, नहीं, उसको बस अपना ही है। तो लोग इसके पास ब्रेड मांगने के, ये कहती है आप ब्रेड नहीं है तो केक खा लो भाई, है। तो ये चीज़ थी। सो अपॉन हिज एक्सेशन न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी, बहुत सारे रीजन थे। सबसे फोरमोस्ट रीजन था कि फ्रांस ने असिस्ट किया था अमेरिका को उसको 13 कॉलोनीज जो थी उसको फ्री करवाने से ब्रिटेन में। तो उससे उसने बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो उठाया हुआ था पूरे वर्ल्ड से। तो उसके चलते जो था वो फ्रांस को ब्याज भी देना पड़ता था, अब जितना पैसा जो उठाया था, तो 10% इंटरेस्ट जो था वो पड़ता था। तो इसके चलते जो था मतलब इनका खजाना जो था वो खाली होता जा रहा था। एंड फर्दर टू मीट इट्स एक्सपेंसेस स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अमेरिकन रेवोल्यूशन में बताया था कि इनका इनएफिशिएंट सिस्टम था, टैक्स सिस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या था वो इनएफिशिएंसी क्या थी। सो फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इन टू 3 एस्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस। बस यहाँ पे ये चीज समझ लो तो पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। अब क्या था कि फ्रांस में 3 एस्टेट्स में लोगों की डिवीजन हो रखी थी। पहली एस्टेट में थे रोमन कैथोलिक एंड क्लर्जी, राइट। दूसरी मतलब जो भी बिशप्स वगैरह थे, है ना, आर्की बिशप्स भी थे। देन सेकेंड स्टेट में नॉबल्स आ जाते थे, एंड नॉबल्स कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दे ओन्ड 20% ऑफ द लैंड। अब नॉबल्स जो थे उन वो भी एक तरह के जो पहले, बिकॉज फ्रांस को जब अर्ली डेज में जो इनको आज़ादी मिली थी तो मतलब फॉरेन रूल से, तो इन ये नॉबल्स जो थे दे प्लेड द रोल ऑफ फ्यूडल्स।
ठीक है, तो इन्होंने एज अ फ्यूडल काम किया किंग के अंडर। तो फ्यूडल्स का क्या काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, मतलब जैसे एरियाज हैं तो एक फ्यूड उसको सुपरवाइज करेगा। तो ये फ्यूडल्स जो थे, ये पेजेंट्स जो जितने भी फार्मर्स थे उनके ऊपर बाद में टैक्सेस इम्पोज, मतलब उनसे टैक्सेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते थे, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये भी अल्टीमेटली थर्ड एस्टेट वाले लोगों से टैक्स चार्ज करते थे, जो नॉबल्स। तो इनको ये, बिकॉज ये फ्यूडल्स थे पास्ट में, तो इनको ये प्रिविलेजेस दे दी गई थी। देन उसके बाद थर्ड स्टेट में जो थे वो थे बर्जियोजी क्लास, सिटी वर्कर्स और पीजेंट्स। जो बर्जियोजी क्लास थी इसमें थे वेल्दी मर्चेंट एंड स्किल्ड वर्कर्स। अब जो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशन है वो सारा का सारा उसका क्रेडिट जो है वो बर्जियोजी क्लास को जाता है, बिकॉज इसमें इंटेलेक्चुअल लोग थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो फर्स्ट फेज रेवोल्यूशन का रहा है 1780 से 91 तक, उसमें पूरा का पूरा योगदान इस बर्जियोजी क्लास का है। एंड मोर ओवर आगे जाके जो फिलोसफर्स आएंगे बड़े बड़े, तो वो भी इसी क्लास में से ही इंक्लूड करते हैं। और सबसे जो फॉरमोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि इसमें कोई भी पोलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया कांग्रेस थी और इसके साथ साथ कई मुस्लिम लीग थी, है ना, कई पार्टीज इन्वॉल्व हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उन्होंने एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। अब फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं है, अपने ही लोग अपने ही लोगों के अगेंस्ट जो है वो खड़े होंगे, मतलब कि जो बर्जियाजी क्लास है वो वेल्दी किंग के अगेंस्ट जो है वो, मनार्की रूल के अगेंस्ट जो है वो अपनी आवाज उठाएगी। तो फर्स्ट फेज जो है वो बर्जियाजी क्लास जो है इसमें उसको रिप्रेजेंट करेगी। बट उसके बाद जब ये, मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्ट होगा, जो भी ये नेशनल असेंबली बनाएंगे, बिकॉज इससे पहले क्या था, नेशनल असेंबली बर्जियाजी क्लास ने जो थी वो बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूट करी थी। नेशनल असेंबली से पहले फ्रांस में स्टेट जनरल होता था, जिसको पार्लियामेंट भी बोला जाता था। तो स्टेट जनरल में क्या होता था कि हर एक स्टेट से जनरल्स जो थे वो जाते थे, मीट करते थे, और इसमें क्या होता था कि वोटिंग होती थी एज अ होल, ठीक है। बट वोटिंग में ये होता था कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है उनकी जो पावर्स थी वो 2/3 होती थी, जबकि बर्जियोजी क्लास की जो, मतलब ये पूरी जो थर्ड स्टेट है इसकी पूरी पावर जो थी ये 1/3, मतलब इनकी वोट को वेटेज दिया जाता था। हालांकि जो ये थर्ड स्टेट थी इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है, मोर देन, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कलेक्टिवली भी ले लो तो उससे भी डबल ट्रिपल पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी, क्योंकि इसमें फार्मर्स भी थे, मतलब 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की उस टाइम पे फार्मर्स थे, ठीक है। तो वो थर्ड स्टेट में इंक्लूड होते थे, लेकिन स्टेट जनरल में इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो 1/3 था, जबकि ये दोनों का 2/3 था, ठीक है। तो ये चीज जो थी, ये बर्जियोजी क्लास इसको चेंज करना चाहती थी, तो इसके चलते इन्होंने अपनी डिमांड रखी किंग के आगे कि यहाँ पे एक तो वोटिंग सिस्टम जो है वो वन मैन वन वोट होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या था, जो करंट चला आ रहा था स्टेट जनरल, इसके अंडर था कि वोटिंग एज अ होल कंसिडर की जाती थी, एज अ होल एस्टेट, ठीक है। तो बट ये डिमांड करते थे वन मैन वन वोट, राइट। तो इसके चलते जब किंग ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, तो इन्होंने अपनी एक असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके चलते इन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ, आपने सुना होगा टेनिस कोर्ट ओथ, बहुत ही फेमस है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो हुआ क्या था, वहाँ पे टेनिस प्लेग्राउंड थी, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड, तो वहाँ जाके ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने जो था वो ओथ ली कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम अपने फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं जिसमें किंग की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, लिमिटेड कर दी जाए। तो इसके चलते इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट करी। तो इसमें बर्जियोजी क्लास का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, स्पेशली फर्स्ट फेज में, ठीक है। सेकेंड फेज जो है उसमें हम करेंगे, बिकॉज उसमें जो है अब सिटी वर्कर्स एंड पीजेंट्स जो है वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, बिकॉज जब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था तो उसमें जो राइट्स रखी थी वो बहुत ही, मतलब इनके इनके फेवर में थी, लाइक कि जो वोटिंग राइट्स थी वो उन लोगों को दे दी गई थी जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जैसे कि हमारे के इंडिया में भी ऐसा हुआ था ना कि मतलब वोटिंग राइट्स जो थी वो 1947 से पहले उन लोगों के पास ही थी जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़ा टैक्स पे करते थे, लैंड रेवेन्यू पे करते थे। सिमिलरली इन्होंने जब नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो उसमें भी इन्होंने यही चीज़ रखी, ठीक है, कि जो लोग हाइएस्ट टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं वही वोट कर सकते हैं। तो इसके चलते फिर लोगों ने आगे जाके आवाजें उठाई, फिर जैकोबिन रेवोल्यूशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स बने, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक क्लब्स
थे वहां पे, तो उनमें से एक जैकोबिन क्लब था जिसने कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, राइट. तो वो सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशन होगा. तो फर्स्ट फेज में जो बर्जुआजी क्लास है वो अपनी आवाज़ उठाएगी, सेकंड केस में सिटी वर्कर्स और पेजेंट्स जो हैं वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है. बट आवाज़ जो है वो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उठाई थी उठाएगी और ये जो है ये किंग के कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी स्टेट जनरल चल रहा था, इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाएंगी. बस इतना ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन में. अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें. सो फर्स्ट स्टेट में क्या था, इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. ये देखो आप, है ना, कि 1% पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1% है, जबकि थर्ड स्टेट जो है वो 80% उसमें सिर्फ मतलब फार्मर्स ही हैं पूरी पॉपुलेशन के, राइट. तो फिर भी उनका जो वोटिंग का वेटेज है वो सिर्फ 1/3 है और इनका जो है वो 2/3 है. सो दिस वर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, अपर एंड लोअर. अपर क्लर्जी इंक्लूडेड आर्की बिशप्स, बिशप्स एंड एबट्स, ठीक है. ये सारे के सारे जो है वो एक तरह के पादरी होते थे. सो ड्यू टू द पावर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च दीज पीपल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मोस्ट टैक्सेस, राइट. हमने रिफॉर्मेशन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो चर्च था, कैथोलिक चर्च थे, वो लोगों के ऊपर उन्होंने तरह तरह के टैक्सेस इम्पोज कर रखे थे धर्म के नाम पे, है ना. तो ये चीज़ वही थी, ठीक है. अभी फ्रांस में वही चीज चल रही है, ये लोगों के ऊपर गॉड के नेम पे टैक्स भी जो है वो वसूल कर रहे हैं. सो दीज मैन वर ऑफ हाई स्टेटस एंड प्रिविलेज एंड एंजॉयड लग्जूरियस लाइव्स इन देयर लार्ज पैलेसेस. मीनवाइल द लोअर क्लर्जी विच इंक्लूडेड पुअरली पेड विलेज प्रीस्ट हैड टू सफर अलॉन्ग विद द थर्ड क्लास पीजेंट्स. देन सेकेंड स्टेट में आ जाते हैं नॉबल्स, ठीक है. दीज इंक्लूडेड 30,000 फैमिलीज who belong to nobility like duke and duchess, count and countess and marquis and marquise. ये basically जैसे हायरार्की होती है ना nobles की, तो उसमें सबसे ऊपर duke आता है, फिर उसके बाद count आता है, फिर उसके बाद marquis आता है. तो ये nobility की ही हायरार्की है. सो लाइक द क्लर्जी नोबिलिटी रिप्रेजेंटेड अनदर प्रिविलेज्ड एस्टेट. अब इसमें ही भी एक नॉबल्स होते थे, नॉबल्स डीस वर्ड उनको बोला जाता था, क्योंकि वो अपने दोनों तरफ, जैसे एक बंदा है तो दोनों तरफ वो अपने स्वॉर्ड जो था वो लटकाता था. ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी इन नॉबल्स की, इसको कोई और नहीं पहन सकता था. सो दे हेल्ड द हाइएस्ट पोजिशन इन द चर्च, आर्मी एंड गवर्नमेंट, एंड दीज वर ऑल्सो दे वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. एंड ये क्या करते थे, ये पीजेंट्स जो थे उनसे एक्सट्रैक्ट करते थे टैक्सेस, एंड दे ऑल्सो कलेक्टेड एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कस्टमरी ड्यूज एज वेल एज ड्यूज ऑन सॉल्ट, क्लोथ, ब्रेड, वाइन. एंड बिकॉज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये नोबल्स जो थे जनरली फ्यूड थे, ठीक है, फ्यूडल्स थे, जिन्होंने पहले किंग्स को हेल्प किया था फ्रांस को फॉरेन रूल से आज़ाद कराने में. सो थर्ड स्टेट क्या था, थर्ड स्टेट अबाउट 26 मिलियन सिटीजन्स, मतलब वही जो गरीब बर्जुआजी या वेल्दी, ये जो बर्जुआजी क्लास थी इसमें सारे एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, देन इसके अलावा पीजेंट्री थी, आर्टिसंस थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, कुक्स थे, राइट. तो ये सारे थे. थर्ड स्टेट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास. सो मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाई बर्थ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू दी स्टेट. तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो थे वो टैक्सेस पे नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट जो थी वो टैक्सेस पे करते थे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारा का सारा बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया था. अब जो स्टेट जनरल भी बुलाई गई थी जब मीटिंग, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है और टेनिस कोर्ट ओथ ली गई है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बिकॉज जो फ्रांस था वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उसके चलते किंग ने सोचा कि क्यों ना मैं और टैक्सेस इम्पोज कर दूं. तो जब और टैक्सेस इम्पोज करने की बात आई, तो तब जो बर्जुआजी क्लास थी वो हिल गई थी दिमाग उनका, ठीक है. तो फिर उनके चलते उन्होंने अपनी आवाज़ जो थी वो उठाई. सो चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ. ये हमने पढ़ा था जब रिफॉर्मेशन मैंने चैप्टर करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पीजेंट्स के ऊपर जो था चर्च टैक्स इम्पोज करता था, ठीक है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एंड फाइनली दीज इसमें जो टिथ था इसमें डायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिनको टैली बोला जाता था, ठीक है. टैली वॉज अ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड इसके अलावा कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे डेली कंजम्पशन की चीज़ों पे, चाहे नमक हो गया, टोबैको हो गया, या वाइन हो गई, क्लोथ हो गए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो था टैक्स इम्पोज किया जाता था, और वो टैक्स का सारा बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के ऊपर होता था. अब पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स को क्यों टैक्स पे करते थे, वही फ्यूडलिज्म वाली चीज़ है कि फ्यूडलिज्म था ना
उसमें फ्रांस में, तो ये लोगों को होता था कि इन्होंने हमने हमें जो है वो वारफेयर से बचाया, तो हमें हमारा इनको टैक्स देना धर्म बनता है। एंड पुअरेस्ट कम्युनिटी क्यों टैक्स पे करती थी? दे पे टैक्सेस सो दैट द एरिस्टोक्रेट्स कैन लिव अ लेविश लाइफस्टाइल, एंड दे पे टैक्सेस टू फंड द वॉर, एंड दे पे टैक्सेस टू सेव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एक्चुअली दे वर द रियल हीरोज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? सो इन्हीं का, इन्होंने ही अपनी आवाज़ उठाई है जो थर्ड स्टेट थी, तो उसके बाद जो था वो शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब कॉजेज क्या थे? सबसे पहला था ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड फूड स्कार्सिटी। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अगर देखा जाए 1715 में 23 मिलियन थे, 1789 में 28 मिलियन के अराउंड हो गए, बट उस हिसाब से ना तो लोगों की वेजेस थी, ना ही मतलब जो फूड ग्रेन्स थे उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हर एक लोगों की खाने की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। मतलब ये एक स्टेपल जो वहाँ की डाइट थी ब्रेड, वो भी लोगों को मिलनी जो थी वो मुश्किल हो रखी थी, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज थे वो नहीं थे, इनकम सोर्सेज नहीं थे लोगों के पास, एंड ऊपर से न्यूमरस टैक्सेस वर देयर, राइट? देन उसके बाद एमर्जिंग मिडिल क्लास। एमर्जिंग मिडिल क्लास की वही जो बर्जुआजी क्लास थी स्पेशली, उसमें काफ़ी लोग जो थे वो पढ़े लिखे हुए मतलब आगे आए, और उन्होंने जो थी वो स्पेशली जो ये जो टैक्स सिस्टम चल रहा था, है ना, अनफेयर टैक्स सिस्टम जो सिर्फ थर्ड क्लास के ऊपर था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। एंड मोर ओवर ये जो लोग थे वो धीरे धीरे काफ़ी अमीर होना शुरू हो गए थे, बिकॉज इनमें से काफ़ी लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते थे, काफ़ी लोग जो थे बाई प्रोफेशन कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ लॉयर्स बन गए, ठीक है? तो इन लोगों ने बाद में ये चीज़ की आवाज़ उठाई कि जो भी मीन सोसाइटी में जो है वो कोई भी बंदा बाय बर्थ प्रिविलेज्ड नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो प्रिविलेजेस हैं ये लोगों को उनकी मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। ये कहते थे कि कोई भी बंदा है वो, मतलब अगर किंग का बेटा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि किंग के जो करेक्टर्स हैं वो मतलब जैसे इनहेरिटेंस में उसको किंग के करेक्टर्स मिले, नहीं, ठीक है? बिकॉज ये कहते थे कि कोई भी बंदा है जो कोई किसी भी तरह का ट्रेट एक्वायर करता है तो वो बाय बर्थ एक्वायर नहीं करता है। कोई भी जो बच्चा है अगर वो पैदा हुआ है तो उसके वो एक ब्लैंक टेबलेट है, उसके ऊपर कुछ भी आप स्क्राइब करोगे तो वही वो बनेगा, राइट? तो ये कहते हैं कि अगर पीजेंट का बच्चा है, कोई फार्मर का बच्चा है, तो वो नलायक इसलिए नहीं है कि वो फार्मर का बच्चा है, वो इसलिए नलायक है बिकॉज उसको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, वो उस तरह के एनवायरमेंट में पैदा हुआ है, राइट? तो ये इनका ख्याल था जो इन्होंने आगे जाके सामने लाया, और इसमें कई फिलोसफर्स बाद में रूस जैसे एमर्ज हुए। देन उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू सपोर्ट गिवन टू अमेरिका, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद रूल ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफर्स का काफ़ी रोल रहा है, जैसे कि उसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस, ये आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन लोक, जीन जैक्स, रूज एंड मोंटेस्क हो गया, वोल्टेयर हो गया, वोल्टेयर को फादर ऑफ सिविल राइट्स भी बोला जाता है फ्रांस में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब इन्होंने अपनी अपनी जो थी वो फिलॉसफी दी, जिसमें सबसे पहले जॉन लोक जो हैं उन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है, ही रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मनार्क, ठीक है? तो ये जो किंगशिप थ्योरी है उसको बिल्कुल डिनाई करते हैं, ये कहते हैं कि जो कोई भी बंदा है वो किंग बचपन से पैदा नहीं हुआ है, राइट? तो उसके बाद मोंटेस्क जो है, इनकी बुक है स्पिरिट्स ऑफ लॉ, एंड ही ओपनली अटैक द एब्सोल्यूट मनार्की ऑफ फ्रांस एंड पॉइंटेड आउट दैट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड माइंडसेट ऑफ पीपल गवर्न, ठीक है? कि मतलब इन्होंने जो भी करप्शन हो रही है रॉयल सिस्टम में, ठीक है, उसको सामने लाया। एंड मोर ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोंटेस्क की, वो है कि इन्होंने रिकमेंड किया था सेपरेशन ऑफ पावर्स लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, जिसको फर्स्ट फेज में इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बिकॉज बर्जुआजी क्लास का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इन्होंने नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, तो उसके मोंटेस्क का जो आइडिया थे उसको इम्प्लीमेंट किया था। जब हम सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशन देखेंगे तो उसमें बिकॉज जो बाकी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या पेजेंट्स हैं, ठीक है, या सिटी वर्कर्स हैं, तो उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उन्होंने रूज के आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फर्स्ट फेज में आप देखोगे कि मोंटेस्क के जो व्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। एंड इवन ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, मोंटेस्क एक्सरसाइज द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। एंड जब यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था तो उन्होंने भी मतलब ये चीज़ जो थी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। देन उसके बाद आते हैं वोल्टेयर को जो था, इनके ख्यालों के लिए गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाल दिया था, एंड दिस इंसिडेंट कन्वर्टेड
him into social thinker and critic, and he examined the condition of contemporary society and highlighted the tyranny, cruelty and absurdities prevailing in France. So he wrote a famous critical history named the Age of Louis 16. Actually इसने जो भी लाइक फ्रांस में किंग जो था वो इम्पोज कर रखे थे उसने टैक्सेशन एंड मोर ओवर जो भी वो लेविश लाइफ स्टाइल अपनी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट उनके साथ जीते थे तो उसका काफ़ी हाईली इनको इन्होंने जो था वो क्रिटिसिज्म किया था. और इनको फ्रांस में जो है वो फादर ऑफ सिविल राइट्स भी बोला जाता है बिकॉज इन्होंने कहा है कि जो लोग हैं उनको सारी की सारी राइट्स जो हैं वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए, कुछ राइट्स उनको अपने लिए भी अपनी ज़िंदगी के लिए भी रखनी चाहिए अपने पास, जिनको हम सिविल राइट्स बोल सकते हैं. राइट क्योंकि इन्होंने डिवाइन किंगशिप थ्योरी को अगेन इन्होंने भी बिल्कुल उसको निगेट किया था जिसके अकॉर्डिंगली जो चर्च थे या नोबिलिटी थी कि वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हेरिटेबल क्लास है. राइट तो ये वो चीज़ के ऊपर ये भी कहते हैं कि मतलब किंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो हेरिटेबल नहीं होती हैं. ठीक है तो ये भी उस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं और सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो इन्होंने सिविल राइट्स के ऊपर किया है. सो अदर फेमस वर्क इनका था फिलोसफिकल डिक्शनरी. ही अटैक द डिकेडेंट कस्टम्स एंड नेशंस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी बट हिज मेन टारगेट वॉज द कैथोलिक चर्च. ही क्रिटिसाइज द फ्रेंच चर्च एज प्रिवेलेंट न्यूसेंस मॉन्यूमेंट ऑफ इंटॉलरेंस एंड डेन ऑफ सुपरस्टिशंस. ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. इनके चलते ही इनको जो था वो जेल में डाला गया. देन रूज जो है ही हैड एन इंटेंस फेथ इन डिग्निटी एंड गुडनेस ऑफ मैन. इनकी सबसे फेमस जो वर्क रहा है दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये कहते हैं जब एक किंग थ्रोन पे बैठता है तो लोगों के बीच में और किंग के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो किंग को ओबे करना है. ठीक है कि किंग जो है वो लोगों मतलब अगर किंग लोगों कैसे कहते हैं किंग थ्रोन पे बैठा है तो वो किंग की सॉवरेनिटी नहीं है वो लोगों की सॉवरेनिटी है. ठीक है तो उनको जो है अगर मान लो किंग जो है वो लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है तो किंग को जो है वो नीचे थ्रोन पे थ्रोन से उतार देना चाहिए. यही चीज़ थी बिकॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब फर्स्ट फेज चला था तो बर्जुआजी क्लास ने अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो थी वो एक्सेप्ट की. राइट कि किंग जो है वो अल्टीमेटली हेड रहेगा लेकिन उसके बाद जब दोबारा सेकंड फेज चलेगा तो उसके बाद किंग को जो था वो उतार दिया गया था. तो उसमें इसी के चलते हम कह देते हैं कि रूस का जो आइडिया थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे कि अगर आपका किंग आपकी नहीं सुन रहा है तो उसको उतार फेंको. सो इन्होंने बोला था कि लोगों के पास ये राइट है कि अगर बैड गवर्नमेंट परसिस्ट कर रही है तो वो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं. एंड ही असर्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी. वो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज इन चेंज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ठीक है जो इन्होंने दी थी कई बार जो दूसरे स्टेट के पेपर होते हैं उसमें पूछ सकते हैं. तो इनके आइडियाज जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. हर एक सैलून कॉफी हाउस में जो थे वो एंड न्यूज़पेपर्स में भी इवन जो थे वो आने शुरू हो गए. एंड इवन जो लोग अनपढ़ थे उनके लिए ऊंची ऊंची बोल के जो थे वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे. देन उसके बाद न्यूज़ दैट लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट. एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम पे ना थोड़ा मौसम खराब हो गया. ठीक है विंटर हार्वेस्ट इतना आया नहीं तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई. तो इन्होंने जो ऊपर से ये मतलब खबर फैल गई कि जो लुईस 16 है वो टैक्सेस चार्ज कर रहा है. ठीक है लोगों के ऊपर तो इसके चलते जो थे वो लोग भड़के. तो इवन इसने जो था एस्टेट जनरल की मीटिंग जो थी बुलाई. एस्टेट जनरल में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि तीनों ही एस्टेट से जनरल्स जो थे वो आते थे. ठीक है मीटिंग बुलाई इसके चलते कि टैक्सेस जो हैं वो हम इम्पोज करेंगे. राइट सो 5 मई 1789 को लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ एस्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से दोनों से 300-300 बंदे आए और तीसरी जो स्टेट थी उससे 600 बंदे आए. राइट सो द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पर्स एंड एजुकेटेड मेंबर्स. पीजेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री. वुमेन का भी काफ़ी रोल रहा है बट वुमेन को बहुत लेट मतलब जाके ना इनको राइट्स मिले हैं इवन वोटिंग राइट्स भी. सो अर्लियर नंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉज लेस बट ग्रेजुअली देवर इंक्रीज वोटिंग इन द. ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का वेटेज 2/3 था जबकि थर्ड स्टेट था और जो वोटिंग का सिस्टम था वो कलेक्टिव था. ठीक है ईच स्टेट हैड वन वोट बट जो कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो मांग उनकी मांग क्या थी कि वन मैन वन वोट होना चाहिए. राइट तो इसके चलते जब उनकी ये चीज़ जो थी वो नहीं एक्सेप्ट हुई तो ये वॉकआउट कर गए. वॉकआउट करके ये पास ही में एक टेनिस
प्लेग्राउंड थी जहाँ पे ये चले गए, वहाँ पे इन्होंने ओथ ली कि हम जो है मतलब उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली जो था वो डिक्लेयर कर दिया, और साथ में ये बोला कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार नहीं कर लेते, और जिसमें जो है वो किंग की पावर्स को लिमिट कर दिया जाएगा। तो अभी ये किंग के अंडर ही रहेंगे फर्स्ट रेवोल्यूशन में, सेकंड में ऐसा मनार्की जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, रिपब्लिक हो जाएगा सारा सिस्टम। सो दे वर लेड बाय मिराबू एंड एबीसीएस। सो दिस ओथ इज कॉल्ड सो एज इट वॉज टेकन इन टेनिस स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड। देन इसके बाद ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, फॉल ऑफ बास्टिल। उस टाइम पे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी तो लोग किंग क्या करता था कि कोई भी फर्स्ट या सेकंड एस्टेट के अगेंस्ट बोलता था तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों को उस टाइम पे प्रिजन, मतलब 7 लोग उस टाइम प्रिजन में थे, और प्रिजन थी बास्टिल में, ठीक है। तो ये प्रिजन का फॉल ही एक तरह का इंडिकेट करता है एज अ ट्रम्फ ऑफ लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी का जीतना। सो जब नेशनल असेंबली जो थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी तो ये सारी चीज़ें तभी हुई बिकॉज उसी टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम ख़राब होने की वजह से हार्वेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से ये बात आ गई कि किंग टैक्स इम्पोज कर रहा है, एंड मोर ओवर किंग ने नेशनल असेंबली को एक्नॉलेज तो कर दिया था बट फिर भी वो इसको सप्रेस करना चाहता था, तो इसके चलते उसने अपने ट्रूप्स भेजे इनको सप्रेस करने के लिए। तो लोग जो थे इस चीज़ के चलते भड़क उठे, और भड़क के उन्होंने जो था बास्टिल के ऊपर अटैक कर दिया, और वहां पे जो 7 प्रिजनर्स थे उनको फ्री करवाया। सो द फॉल ऑफ बास्टिल वॉज रिगार्डेड एज इन फ्रांस एज ट्रम्फ ऑफ लिबर्टी। इसी के चलते आज भी उस दिन को जो है वो बास्टिल डे मनाया जाता है, जिसको कि माना जाता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ है यहाँ से। सो आफ्टर द फॉल ऑफ बास्टिल द पीजेंट्स रोज अगेंस्ट द नोबल्स। जो दंगे वगैरह जो थे वो शुरू होने शुरू हो गए, नोबल्स जो थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया लोगों ने, और काफ़ी नोबल्स जो थे वो नेबरिंग कंट्रीज में भी भागने शुरू हो गए, और उन्होंने अपनी नोबिलिटी या अपने फ्यूडल राइट्स जो थे वो सरेंडर कर दिया ऑन 4 अगस्त 1789। अब फ्यूडलिज्म और सर्फडम जो है वो कम्प्लीटली तरह से, स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हो चुकी है, इक्वालिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, और क्लास डिस्टिंक्शन यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट जो है ये भी खत्म हो चुकी हैं। सो फेस्ड विद द पावर्स ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड, अब इसने जाके नेशनल असेंबली को जो है वो एक्नॉलेज किया है, राइट, कि अब से जो मेरी मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की ही है अभी भी, ठीक है, किंग जो है अभी भी अल्टीमेटली वही हेड है, राइट। सो इसके बाद जब सेकेंड रेवोल्यूशन होगा, जब आम जनता आवाज उठाएगी, तब जाके रिपब्लिक होगा फ्रांस, राइट। सो ऑन फोर्थ नाइट ये सारी चीज़ें वही है कि वही उन्होंने मतलब ये चीज़ अबॉलिश की, वो चीज़ अबॉलिश की, अपनी जो राइट्स थी, नोबिलिटी राइट्स थी या फ्यूडल राइट्स थी वो सरेंडर कर दी, राइट। सो नेशनल असेंबली कम्प्लीटली दी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791, और इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि किंग के पावर्स को लिमिट कर दिया जाए, पावर इंस्टेड ऑफ बींग कंसर्न, अब एक हैंड में पावर देने की बजाय उसको जो है वो डेलीगेट कर दिया जाए। सो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का जन्म होगा, दैट मीन्स के मॉन्टेस के आइडियाज को एक्सेप्ट किया गया। सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखी गई थी कि जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो कि फर्दर असेंबली चूज करेंगे, और सारे सिटीजन के पास राइट टू वोट नहीं है, सिर्फ मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन को राइट नहीं दिया गया अभी, मेन जो 25 ईयर्स अबव होंगे और जो टैक्सेस पे करेंगे कितना, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर्स वेजेस, तो उनको जो है वो एक्टिव सिटीजन्स माना गया, ठीक है। तो दो ग्रुप्स में बेसिकली सिटीजन्स डिवाइड हो गए, एक एक्टिव सिटीजन्स, एक पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग आ गए जो काफ़ी हाई मतलब उसमें अबंडेंस में जो थे वो टैक्स पे करते थे, और पैसिव में आ गए वुमेन और जो लोग गरीब थे जो टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। अब जो पैसिव सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं सिर्फ उन्हीं को राइट टू वोट दिया गया। तो इसी के चलते अब आम जनता आवाज़ उठाएगी तो सेकेंड रेवोल्यूशन होगी। सो टू क्वालिफाई फॉर एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, अ मैन हैड टू बी बिलोंग टू हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। जितना ज़्यादा अमीर होगा वही जाएगा असेंबली में, उसी को ही नॉमिनेशन जो है वो दिया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच, मतलब वही के बाय बर्थ उनको वो राइट्स मिली है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट।
मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, मतलब काफ़ी इलिटरेसी थी, तो इसके चलते उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, जो भी हालात थे उनके लिए, उनको अवेयरनेस कराने के लिए सिम्बल्स का यूज़ किया गया, जिसमें सिम्बल्स थे जैसे कि ब्रोकन चेन थी, चेन जो थी, दीज वर यूज टू फेटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है, मतलब हथकड़ी खोल दो तो मतलब बंदा आज़ाद हो गया, तो ये भी एक सिम्बल था फ्रीडम का. देन स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फॉर्म अ रिंग, ठीक है, तो रिंग जो होती है उसका ना बिगिनिंग होता है ना एंड होता है, दैट मीन्स इट्स अ सिंबल ऑफ एटर्नल थिंग, है ना, एटर्निटी का सिंबल है. देन उसके बाद बंडल ऑफ रोड्स, बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस जिसको बोलते हैं, वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन बट यूनिटी, मतलब वही यूनियन इज स्ट्रेंथ होता है ना, तो काफी बंडल ऑफ स्टिक्स को हम इकट्ठा नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये भी एक था. देन उसके बाद सिंबल द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सींग आई आप देख सकते हो, स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, देन अंधेरे के बादल दूर कर देगी, रेज ऑफ सन. देन उसके बाद रेड कैब, रेड कैब इट इंडिकेट्स फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, इसके अलावा एक एंजल्स विंग वो भी थे, ठीक है, सो दीज ऑल वर सिम्बल्स ऑफ फ्रीडम, कह लो फ्रेटर्निटी कह लो इक्वालिटी कह लो, ये सारे उसी के ही सिम्बल्स थे ड्यूरिंग दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं. सो ये सारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज, इसके बाद हम सेकेंड फेज से स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.